हाँ तो रोशनी, यहाँ पे ONGC के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ONGC के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 1.85 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 185 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 13% बढ़कर 1,14,168 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। देखिए दोस्तों, ये कॉन्सोलिडेटेड है, तो यहाँ पे ONGC बहुत सारी इसकी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं जहाँ से इस कंपनी को डिविडेंड भी मिलता है। तो ऑल ओवर ये डिविडेंड, फिर उसके बाद में सब डिविडेंड मिलकर ये अराउंड 1,00,000 करोड़ से ये ऊपर यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर निकल कर आया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर, तो वो यहाँ पे 200%, यानी कि 3 टाइम यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 3 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 10,946 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में पिछले साल के, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो उसके कंपैरिजन में 9% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो 10,946 करोड़ का कंपनी को भी नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 6,725 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और ईयरली बेसिस पर भी यहाँ पे कंपनी ने अच्छे रिजल्ट अनाउंस किए हैं और ये कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, अगर हम देखें तो 1,54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको लगेगा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अभी कंपनी के रिजल्ट आए हैं इससे अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा बढ़ जाएगा और वैल्यूएशन वहाँ पे ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो पे नजर डालें तो वहाँ पे ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड लगता है। अब ये देखिए, पिछले साल अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर कंपनी का थोड़ा अच्छा नहीं रहा था, उसकी वजह से वहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू वो पिछले साल गिरता हुआ नजर आया था और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी पिछले साल कम हुई थी, जो हर साल आपको बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब ये देखिए, 122 पे यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 212 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट अभी भी ये शेयर आपको 40-45% अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन अगर आप 5 साल के परफॉर्मेंस को देखोगे तो पिछले 5 साल में जिन्होंने, मतलब 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, वो अभी 11% इस कंपनी में लॉस में होते। तो इसीलिए जो पिछले कुछ टाइम से जो इसका बुरा टाइम चल रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लॉस भी इसमें रहा है, मतलब जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है उनको अच्छे रिटर्न नहीं मिले। हाँ, वो बात अलग है, थोड़ा डिविडेंड इस कंपनी ने दिया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत कोशिश कर रही है, जो नेचुरल गैस को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और जो मार्केट शेयर अभी नेचुरल गैस का है वो अराउंड 12-15% आने वाले 10 सालों में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है अपनी वो बढ़ाना चाहती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है, तो इसमें बहुत ही अच्छा वहाँ पे एक मेजर बेनिफिट वहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ONGC को वहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। और इसकी सब्सिडरी कंपनी वगैरह भी है, तो वहाँ पे उनको भी अच्छा खासा अगर वहाँ पे बेनिफिट मिलता है तो एट दी एंड वहाँ पे ONGC को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डिविडेंड वगैरह भी आते हैं, तो अच्छा खासा अगर उनका वैल्यूएशन अच्छा खासा होता है तो वहाँ पे ONGC उनको बेचकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट पे कमा सकता है। तो इसीलिए एज ए एंड यहाँ पे शेयर होल्डर अगर आप इसमें हैं, मेरे ख्याल से बने रहिए। अभी आने वाले टाइम पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अर्निंग विजिबिलिटी और ग्रोथ की भी यहाँ पे अगर हम प्रोस्पेक्ट की बात करें तो अच्छे नजर आते हैं। और हाँ, जो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो एक मेन क्वेश्चन लोगों का बना रहता है कि यहाँ पे PSUs में ज़्यादा डिविडेंड क्यों मिलता है, क्योंकि तो देखिए गवर्नमेंट कंपनीज है तो इनका ज़्यादा डिविडेंड इसलिए देते हैं क्योंकि तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि तो अगर ये कोई पैसा कमा रहे तो सीधी बात है कि गवर्नमेंट को इनको देना पड़ेगा क्योंकि तो गवर्नमेंट की कंपनीज है।
तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की ग्रोथ कंपनीज कहलाती है। तो यहाँ पे जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड रहिए, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ONGC के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।